परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा कुरिन्थी की पत्री उसका पहला अध्याय तीसरा वचन और भी वचनों को आज हम मनन करेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है, दया का पिता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता, स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, वो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति। अलग अलग परिस्थिति में हमें तसली देने वाला परमेश्वर पिता है। सब प्रकार की शांति, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समस्या में, जिंदगी में हम लोग सब गुजरते हैं। आप हम लोगों को सेवकाई करते हुए देख रहे हो, हम लोगों के जीवन में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम अपना जीवन में भी हम टैकल करना पड़ता है। और सुबह से तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम जब सुनते हैं, कहीं से फ़ोन आता है, कहीं से हमें बात पता चलता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए भी जब लोग रो कर व्हाट्सएप भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमारा दिल भी टूटने लगता है। हमको भी हमारा समझ से परे, मतलब हम अपना शक्ति से बाहर, ऐसे परिस्थिति में हम लोग भी जाने लगते हैं। तो हम लोग के लिए एक ही आशा रहता है, हमारा परमेश्वर पिता है, दया का पिता है, ज़रूर हमारा मददगार है, हमारा सपोर्ट में है। परमेश्वर हमें मदद करना चाहते हैं। अगर कभी कभी वो हमसे खड़क रीति से भी बताते हैं, तो भी उनको मन में केवल एक ही विचार है कि आपको मदद करना है, मदद करना है। छोटेपन में मुझे याद है, मैं थोड़ा शरारत, मतलब थोड़ा बदमाश बच्चा था। पापा थोड़ा डांटते थे, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे गुस्सा आता था, क्यों ऐसे ऐसे करते हैं, हुकुम चलाते हैं, ऐसे ऐसे मैं सोचता था। लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो दुनिया का पापा भी कभी भी अपने बच्चों के लिए नुकसान नहीं सोचते, भला ही सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत शैतान के कारण, लेकिन काश ज़्यादातर पापा लोग अपने बच्चों के लिए भलाई सोचेंगे, भलाई करेंगे, भलाई बोलेंगे। अगर बाइबल में लिखा है, अगर दुनिया का पिता अगर बच्चों को इतना कर सकते हैं, हमारा परमेश्वर पिता कितना ज़्यादा देंगे। वो हमारा पापों को हमसे दूर करते हैं और उसका अनुग्रह का बारे में दिख रहे हैं। धरती से आसमान कितने ऊंचे है, उतना उनका अनुग्रह है हमारे ऊपर। वो हमारा पापों के बराबरी में, उसके अनुसार उसने हमें दंड नहीं दिया, हमें उसने हमारे ऊपर गुस्सा करके हमें निकाला नहीं है। तो आज हम परमेश्वर पिता का प्रेम को समझना चाहिए। तो आप ये लेटर देखोगे, पढ़ोगे, पहला कुरिन्थी, दूसरे कुरिन्थी, ये सारे लेटर्स लिख रहे हैं। इतना डांट रहे थे पहले एक पत्री में, और पढ़ोगे आज मॉर्निंग डिवोशन में भी अगर आप सुने तो पता चलेंगे कैसे कड़क रीति से पांचवी अध्याय में 1-13 वचन में कितनी कड़क रीति से कलीसिया के लिए डांटा था कुछ लोगों के कारण। इतने सब डांटने के बावजूद भी वो सेवक के अंदर तो लोगों के ऊपर प्रेम है, कलीसिया के भलाई के लिए, लोगों की आशीष के लिए। ऐसा नहीं वो प्रभु के दास लोगों को किसी इंसान के पार्टी में हम नहीं हैं, हम सबके लिए कॉमन है, कॉमन होते हैं। मालूम है जब हम सुन रहे थे अपना प्रधानमंत्री के बारे में, जो
पले थे, तो जो गुजर गए थे उसके बारे में मैं कई पढ़ाते, उसके बच्चों को बताते थे, बच्चे लोग हम आपके लिए समय देते हैं, सब करेंगे, लेकिन कभी भी मम्मी आपका ही मत सोचना, मैं सारे भारत देश का ही मेरा जिम्मेदारी है, मैं सबके लिए एक मम्मी जैसे इस देश में मैं कार्य कर रहा हूं। तो अगर दुनिया के एक नेता को ऐसा एक महसूस होता है, एक सेवक को भी ऐसे महसूस होते हैं, हमारा क्या है, मेरे बच्चे लोगों को जिम्मेदारी तो है, इसके अलावा भी छोटे से लेकर बड़े तक सभी हमारा नजर में है, हम सबका हमारा चिंता है, सबके लिए हम अपना मर्जी से नहीं बताते हैं, वचन से बताते हैं, इसमें आखिर में शांति आएगा। शुरू में जैसा यहां लिख रहे हैं, शुरू में तो दुख लगा है, लोगों को तकलीफ लगा, पौलुस को भी दुख हो गया। मैंने पिछले हफ्ते में बोले ना, जब हम आप लोग को कभी डांटने का जो सेवा होते हैं, हमारे लिए हमको भी दुख होता है, लेकिन हमको मालूम है जब तक हम किसी गलत चीज को नहीं हटाएंगे, वहां पर चंगाई को ला नहीं पाएंगे। सपोज देखो, किसी आदमी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ किसी का अंक में कुछ घुस गया है ना, कुछ लोकन का पीस कुछ घुस गया, तो क्या करते हैं, जब भी डॉक्टर लोगों के पास जाएंगे उसको जरूर निकालेंगे, निकालने के लिए भी थोड़ा दर्द होता होगा, लेकिन निकालेंगे उसके बाद शांति आराम हो जाएगा, वहां रहेगा, बोलेगा डॉक्टर मत निकालो, मत करना, तो इसमें शांति नहीं आता है, आराम नहीं होती है। तो सही ढंग से आपका जीवन को परमेश्वर बनाना चाहते हैं, शैतान आपका जीवन को तोड़ना चाहते हैं। आप देखोगे शैतान के जितने भी योजना में आप जाओगे, थोड़ा देर आपको शांति जैसे लगेगा, थोड़ा देर आनंद जैसे लगेंगे, क्योंकि मैं ऐसे अनुभव में गुजर कर आया है, हम लोगों को पता है। तो बाद में वो शॉर्टकट होते हैं, टेम्पररी तत्कालिक कुछ ऊपर पट्टी बांधने वाले बात होते हैं, अंदर का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ऊपर तो दिखेगा बराबर ठीक है, पट्टी बांध दे सब ठीक ठाक हो गए, लेकिन अंदर अंदर ही सड़ते रहता है। आज शांति का परमेश्वर, दया का परमेश्वर हमें कैसे शांति देते हैं, पहले तो हमें ढांढते भी है, हमारा गलतियों को हमको बताते भी है। जैसे मैं पिछले हफ्ते में जहाज का उदाहरण दिए थे, तो जरूर बताए होंगे, चिल्लाए भी होंगे सामने से, भाई तुम हट जाना, सामने बर्फ का पहाड़ है, बार बार कहने से भी देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा हाथ में आपका स्टीयरिंग व्हील हमारे पास नहीं है, हमारा हाथ में नहीं है, है ना, हमारे पास रिमोट कंट्रोल भी नहीं है है ना, आपका स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पास मेरे पास रिमोट कंट्रोल होता मैं क्या कर लेता, इवन परमेश्वर के पास भी नहीं है, यह भी मैं बता देता। परमेश्वर भी किसी का जीवन की गाड़ी को जब तक अनुमति नहीं देंगे वो घुमाएंगे नहीं। हम बच्चों को संडे क्लास में गाना सिखाते, ईश्वर अगर ड्राइवर हो तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है, ठीक है। यीशु वो भी क्या है, वो अपने आप से ड्राइवर नहीं बनेंगे, आप उसको बैठाएंगे, आप उसको चार्ज देंगे, अपना स्टीयरिंग उसके हाथ में देंगे, वो जरूर आपको सिखाएंगे, आपको चलाएंगे, ताकि आपको शांति का परिणाम में। आज हमारा जितने भी यहां पर सेवकाई हो रहे उसके लिए यहां पर कर रहे हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा मेहनत ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन आना चाहिए, आपके लिए दवा मिलना चाहिए, आपके लिए पट्टी बांधा जाए, आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, आपका जीवन बदल जाए। तो इससे अलावा हमारा कोई ये नहीं, हमारा मकसद, मेरा और मेरा मिसेस, हमारा बच्चे लोग, जितने भी सेवकाई में जुड़े हुए लोग, हम अपने मन मर्जी से हम बताते नहीं हैं। कितने लोगों के जीवन को ये 20 साल की सेवकाई में हम देख चुके हैं,
अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ हम हमने व्यवहार किया है और हमने ये समझ लिया, जान लिया, ये वचन सब संस्कृति वालों के लिए सही काम करेगा, कोई भी देश का क्यों ना हो। इसके आधार पर हम आंख बंद करके जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ऐसा एक परफेक्ट है, इसमें कोई आपको आपको ज्यादा दिमाग लड़ने का ही नहीं है। ये जो बता रहे वही आप करोगे, सक्सेस जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो शांति का परमेश्वर बोलते, मैं मेरा ही शांति देता हूं। किसका शांति? उनका ही शांति। योहन्ना 14:27 पढ़ना, पता चलेंगे कौन सा शांति परमेश्वर हमें देते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं शांति देके जाता हूँ, मेरा ही शांति, मतलब उनका शांति को कोई बिगड़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर को कोई टेंशन नहीं डाल पाएंगे। मालूम है परमेश्वर को, हमको लोग टेंशन में डाल देंगे कभी कभी, लेकिन परमेश्वर को कोई टेंशन में नहीं डाल पाएंगे, हमेशा वो शांति से रहेगा। तो वो शांति आपको दे रहे, शांति का परमेश्वर, सब प्रकार की शांति, सब प्रकार की, मतलब इसका मतलब है सब प्रकार के प्रॉब्लम्स का उसके पास सॉल्यूशन है। एक तो यहीं पर पहला अध्याय में कह रहे हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम उसके जीवन में आया, बोलते हैं हम लोग इतना तक प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ गए हैं। 8वीं वचन से पढ़ना, पहला कुरिन्थी सॉरी दूसरी कुरिन्थी पहला अध्याय 8:9। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। पड़ा पड़ा आगे बढ़। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा, आगे को भी बचाता। बोलते हैं ये वचनों को पढ़ने से पता चल रहे हैं उसके जीवन में ऐसा एक परीक्षा आ गया, ऐसे एक परिस्थिति आ गए कि हम लोगों के जैसा नहीं है। हम लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम लोग ही क्रिएट कर देते हैं, है कि नहीं? देश में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, लोगों का आपस में आग लगा देंगे, बाद में बुझाने के लिए कोशिश। वैसे हम लोग भी जीवन में कभी कभी हम लोगों का अज्ञान के कारण, हमारा मूर्खता के कारण, हमारा संस्कृति के कारण, हमारा रीति रिवाज के कारण हम कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर भी प्रभु तो मदद करते हैं। लेकिन यहाँ की इस व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग है, उस सुसमाचार प्रचार करने के कारण उसको प्रॉब्लम आ गया, उसका मृत्यु दंड दे दिया गया, इतना भारी बोझ आ गया उसके ऊपर, सहन नहीं पा रहा था। बोलते हैं जीवन से हाथ धो दिया, मतलब क्या हो गया? बोलते हैं ना डॉक्टर जवाब दे दिए, वैसी परिस्थिति है उसका जीवन में, मरने का ही था, अभी लास्ट मिनट आ गए हैं, ऐसी परिस्थिति में वो पहुंच गए हैं। फिर भी बोलते हैं ऐसे बोझ आया हमको, फिर भी 9वीं आयत में हम पढ़े, हम अपने भरोसा में नहीं मरियों में से जिलाने वाले परमेश्वर पर भरोसा हम रखते थे। मतलब ये सोच रहा था चलो मरेगा तो भी ठीक है, परमेश्वर जरूर हमको वापस भी जिंदा कर देंगे, अगर काम करना हो
प्रभु का काम बाकी है। देखो कोई भी काम बाकी रख करके जाना नहीं है, ऐसे जल्दीबाजी में भागना नहीं है, सब अपना अपना काम को पूरा करके ही जाना है। बोलते हैं अगर काम बाकी है, क्योंकि ये लेटर अगर मर गया होता ये लेटर हमें नहीं मिलता। ये न्यू क्रिएशन का भी इतना बाइबल स्टडी में किया है मैं कर नहीं पाता, हमको पता भी नहीं चलता। परमेश्वर का काम है पौलुस के द्वारा करने के लिए, तो इसलिए मरने के परिस्थिति में आ गए, मृत्यु के फाटक तक पहुंच गए हैं, तो भी बोलते हैं ऐसी मृत्यु से भी परमेश्वर ने हमें बचाया, बचा रहे हैं, आगे भी बचाएंगे। बोलिए बचाया, बचाया, बचा रहा है, बचा रहा है, आगे भी बचाएंगे, आगे भी बचाएंगे, है ना। जोता जो है आने वाला है, हालेलुया, हमेशा बचाने वाले परमेश्वर, शांति का दाता, सब प्रकार की शांति का दाता, दया का पिता है, आपको तसली देने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में भी तसली देगा, और केवल तसली दे करके चलो झेल लेना। हाँ, कभी कभी लोग तसली देंगे ना, तसली कैसे देंगे, कोई बात नहीं है, झेल लो, हम भी झेल रहे हैं, तुम भी झेल, ऐसा तसली देंगे। कभी कभी तसली देने के लिए आएंगे ना, कभी कभी हम देखे हैं ना, हॉस्पिटल में पेशेंट को मिलने के लिए जाओगे, थोड़ा सोच समझ के जाना। कुछ लोग पेशेंट को मिलने के लिए जाएंगे, बोलेंगे क्या है आपका, ऑपरेशन है भाई, कल ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, बोलेगा ऐसे ऐसे ऑपरेशन है। वो बोलेगा मालूम है मेरा रिश्तेदार था, उसका ऐसे किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, मालूम है ऑपरेशन से वो मर गए। बेचारा उसके अंदर जो शांति से रहता होगा, पहले से उसको शांति को बिगड़ कर रख दिया। बेचारा ऑपरेशन थिएटर में भी जाएगा, इसके अंदर यही रहेगा मैं तो मर जाऊंगा ये विचार से। तो ऐसे दुनिया में लोगों को पता भी नहीं रहते भाई क्या उचित है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। सही ढंग से सही चीज को सही जगह पर सही समय पर बोलना चाहिए। तो यहां पर मृत्यु से नजदीक आने के बावजूद भी परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। हमारा बिल्कुल आशा नहीं है, लाजरस जैसे कब्रिस्तान में रख दिए, कितने दिन हो गए, हो गए, और अंदर में शरीर बदबू आता होगा ना, खुशबू आता है, बदबू आता है, तो फिर भी प्रभु जी बोलते हैं मेरे भाई लाजरस सो रहा है, मैं क्या करूं, जाके जगा दूंगा। वो बोल रहे थे चले लोग प्रभु जी इतना जगाने के लिए हमको इतनी दूर जाना है, अभी आपके जान का खतरा में करके वहां तो आपको मार डालेंगे लोग। बोले अरे यार मारेगा, ऐसा तो नहीं मारेंगे, मेरा समय जब तक है तब नहीं आया तब तक कोई मारेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा, दिन का 12 घंटा है भाई, हम दिन के बच्चे हैं, चुपका चोरी से हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को भरमा नहीं रहे। पौलुस बार बार कहते हैं हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, लोगों को भरमा नहीं रहे हैं, लोगों को हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, भले लोग हमें चीटिंग कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को मददगार बनते हैं, लोगों को आशीष देते हैं। ये कुरिन्थी 4 में पढ़ोगे तो बोल रहे हैं लोग मुझे शराब देते हैं लेकिन उल्टा मैं क्या कर रहा हूं, आशीष दे रहा, लोग निंदा कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के लिए बधाई कर रहे हैं, लोगों की आशीष उन्नति के लिए हम बातें कह रहे हैं। यही मसीह जीवन है, शांति का जीवन है, दया का जीवन है। मालूम है अपना खुद परेशानी होने के बावजूद भी आप दूसरों को शांति देने वाले बन जाते हो, यही मसीहत का खासियत है। मसीहत का खासियत क्या है, हाँ, अपना दुखों में रहने के बावजूद भी आप दूसरों को शांति देना पड़ेगा, नहीं दे सकते हैं,
देना पड़ेगा, ऐसा प्रभु जबरदस्त नहीं करेंगे, आप दे पाओगे, दे सकते हैं, हम दे भी रहे हैं, हमको देने के लिए हमारा शक्ति से नहीं है, परमेश्वर हमें शक्ति दे रहे हैं, भले हम दुखी हैं कोई बातों में, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर शांति का सप्लाई दे रहे हैं, उस सप्लाई से मैं भी खाना खा रहा हूं, उस शांति का सप्लाई दूसरों को भी प्रभु जब देंगे, आपके पास इतना देंगे, भरपूरी देंगे, आपका भी पूरी हो जाएंगे, दूसरों को भी, ऐसे परमेश्वर का शांति है, छोटा मोटा शांति नहीं है, शैतान का कभी शांति नहीं, मालूम है शैतान हमेशा ओवर टाइम करता है, मेरे भाई लोग कुछ लोग ओवर टाइम सोच रहे हैं पास्टर जी हमारा पगार कम है इसलिए हमको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, कर लेना ओवर टाइम, लेकिन ज्यादा ओवर टाइम मत करना, कुछ लोग बोलेंगे हड्डियां घिसा 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 करके मैं मेहनत किया परिवार के लिए, भाई हड्डी घिसा घिसा के किया था, हड्डी बाद में टूट जाएगा ना मेहनत तो करो, शैतान हमेशा टेंशन में रहता है, शैतान हमेशा बाइबल में लिखा है डे ड्यूटी भी करता है, वही लिख रहा है डे एंड नाइट, लोग बोलेंगे अरे कितना मेहनती है यार, अब आतंकवादियों को देखो वो लोग सोते नहीं है मालूम है, रात रात दिन भी मेहनत करते वो लोग, भलाई के लिए नहीं बुराई के लिए, ऐसा मत करना, ऐसे मेहनत करो, मैं बोला हीरो बनो लोग हीरो बन गए, फिर कुछ लोग कैसे हीरो हा? प्रभु का ऐसे हीरो बनो, श्राप दे रहे हैं तो आशीष दे रहे हैं ऐसा हीरो बनो, गालियां दे रहे हैं तो भी हम गाली नहीं दे रहे ऐसा हीरो बनो, अपना दुखों में भी दूसरों को शांति देने वाला ऐसा हीरो बनो, परमेश्वर दे सकते हैं, यहीं पर ही मैं वचन पढ़ाता हूं उनको, पढ़िए यही दूसरी कुरिन्थी 1 का 4वीं आयत पढ़िए, 4वीं आयत 2 कुरिन्थियों 1:4, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हमको दुख है हमको क्लेश है हमको शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो किसी प्रकार जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, दे सके, पूरा पढ़िएगा बेटा साइलेंस, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, क्लेश में देखो हम तो क्लेश में है लेकिन हमको परमेश्वर शांति दे रहे हैं, उस शांति को हम पाते हैं, और दूसरे लोग भी परेशान में है उनको भी हम शांति दे रहे हैं, भले हमारा भी दुख है लेकिन हमें शांति मिल रहा है। अगला वचन पढ़ना, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। देखो मसीह का दुख यही समझना चाहिए, मसीह में हम मूर्खता से हम गलत निर्णय लेकर के इधर उधर की गलत निर्णय से हम फंस जाते हैं, दुख उठाते हैं, वो भी प्रभु मदद करेंगे अगर हम पश्चाताप करेंगे तो। कब मदद करेंगे? पश्चाताप करने से मदद करेंगे। तो मसीह के कारण जो दुख होते हैं, बोलते हैं जितना दुख बढ़ रहा है उतना शांति भी बढ़ रहा है, बोले दुख जितना बढ़ेगा उतना शांति भी बढ़ेगा, है ना, तभी तो सहन पाएंगे ना। हाँ बोलते सहने से बाहर आ गया, लेकिन कैसे सहन लिया, शांति का सप्लाई भी आते रहा। एक प्रभु के दास एग्जाम्पल दे रहे थे, परमेश्वर कैसे हमें चला लेते हैं, जैसे जहाज का एग्जाम्पल दे रहे, नाव जैसे, जब ही हमारा नाव जा रहे हैं सामने जैसे बर्फ के पहाड़ जैसे कुछ आ गए, परमेश्वर क्या करेंगे, एक तो हमें साइड करके ले जाएंगे,
सही रास्ता में चला लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे मालूम है, पानी लेवल को बढ़ा देंगे, हमारा जहाज क्या हो जाएगा पहाड़ के ऊपर से। कोई भी परमेश्वर का अलग हजारा तरीका है, एक तो चला लेंगे लेकिन ऊपर लेके चला जाएंगे, दूसरा घुमा के भी ले जाएंगे। कैसे वो चला रहे हैं वही आपको देखना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई को पाना एक इमोशनल का मामला नहीं है। हम लोग इतने सालों से प्रभु के साथ जीवन बिताते हुए हमको प्रभु के अगुवाई पाने के लिए हमें अपना मन को शांत करना पड़ेगा। टेंशन में रहोगे आपका परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देंगी, है कि नहीं? इतने स्टेशन का ट्यून कर दोगे, हाँ, स्वर्ग स्टेशन बराबर नहीं आएगा। शांति के मन में ही परमेश्वर का अगुवाई मिलेगा। टेंशन में गलत निर्णय लोगे, डेस्परेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डेस्परेशन मतलब अरे क्या करेंगे यो, अरे क्या करेंगे करके जल्दी बाजू में उतावड़ी में, उतावड़ी बोलते हैं ना, जबरदस्ती में डर के मारे, ऐसा ऐसा निर्णय शांति से नहीं होता है, उसमें बात में जाके पछताना पड़ता है। तो परमेश्वर आपको सही अगुवाई करेंगे, उसके लिए जितना भी क्लेश आए तो उसके हिसाब से शांति का सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्या होंगे आपके नाव उसके ऊपर से निकल जाएंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे, पानी का लेवल को बढ़ाएंगे, टकराएंगे नहीं, साइड करेंगे, उसको हटा देंगे, नहीं तो पहाड़ भी हट जाएगा। बोलते ना, कह दोगे तू पर्वत से हट जा, कह दोगे तू पर्वत से हट जा तो पर्वत भी हट जाएगा, तो पर्वत भी हट जाएगा। हक से कहो शक न करो, मांगो ईमान रखो, हक से कहो शक न करो, मांगो और ईमान रखो, जो मांगा है मिल जाएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा, ये यीशु का वचन है। तो परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो परमेश्वर आपको शांति देंगे। ये सब एक नई सृष्टि का अनुभव है, नई सृष्टि का अनुभव में समस्या भी आता है, साथ ही साथ शांति भी आता है कि नहीं? एक नई सृष्टि बनने से, मैंने क्वेश्चन पूछा था, चार आंसर दिए, आपका जीवन में सब परिस्थिति बदल जाएंगे। कुछ लोग क्या कर दिए, उसका टिक मार दिए, सही है, एक दिन में परिस्थिति नहीं बदलता ना, पिया कट हस्बैंड तो पिया कट ही रहेगा, और बात नहीं मानने वाला बेटा तो बात नहीं मानने वाला ही रहेगा, और चिड़चिड़ी बेटी वो भी चिड़चिड़ी रहेगी, है कि नहीं? बदलेंगे लेकिन टाइम तो लगेगा ना, मैजिक थोड़ा है, धीरे धीरे बदलेगा। और एक तो टिक मार दे, प्राण आत्मा शरीर सब बदल गए, क्योंकि पास्टर जी आपने बोले थे पुराना सब बीत गई, एक दो देखो सब नहीं हो गए। ये भी नहीं समझ रहे, सब नए हो गए, काम पर नए हो गए, अंदर आत्मा में नए हो गए, शरीर मन बदलते रहता है, अंदर का नयापन को बाहर लाने के लिए इतना टीचिंग देना पड़ रहा है। अगर सब नया बन गए, मुझे तो यहाँ इतना समय बिताने का कोई जरूर नहीं, आपको भी यहाँ पर आके बैठने का भी जरूर नहीं। नया मन में नया बनना, अंदर आत्मा नया हो गए, मन नया बनना,
शरीर एक दिन नया होगी, ये सब हम बार बार सिखा रहे हैं। तो शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति देंगे, तसली देंगे, ऐसा शांति देंगे आपका क्लेश को भी ओवरकम कर लेगा, उसको ऊपर प्रबल होगा, है कि नहीं। सपोज समस्या 5 किलो है, उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए शांति, कितना होना चाहिए? कम से कम 6 किलो था होना चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखे मैं आपका ट्रबल के लिए डबल ब्लेसिंग दूंगा। कितना दूंगा? डबल। कितना शेम हो गए, कितना अपमान हो गए, इतना बेइज्जती हो गए, उतना ही डबल मैं क्या करूंगा, आपको इज्जत मिलाऊंगा। ये परमेश्वर करेगा। अय्यूब का जीवन में क्या हो गया बोलो, कितना गुना? 2 गुना पाया। तो 2 गुना मिल गई अय्यूब को। अब पढ़ोगे इतना ऊंट था उस समय में, इतना गधा, गाय बैल सब, बैस बैल बकरी, ये सब इंजन दिनों की मर्सिडीज बेंज जैसे है, कि नहीं? बढ़िया बढ़िया ऊंट, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो सब डबल हो गए, डबल फॉर योर ट्रबल। परमेश्वर कॉम्पनसेट करेगा, जरूर करेगा। धीरज धीरज रखो, रहम करेगा। जोली तेरा यीशु भरेगा। ये सब गाना केवल सुनकर के जाने के लिए नहीं, अप्लाई करना, अप्लाई करना। तो एक दिन ऐसे ONGC में मैं नौकरी करने का समय में गाना गाते घूम रहा था मैं, एक मेरा ऑफिसर, क्या गाना गा रहा है तामस जी? यही गाना गा रहा हूं, झोली तेरी यीशु भरेगा। मैं बोला आपका भी भरेंगे तामस जी, आप तो लकी हो, आपका तो यीशु भरते रहते, हमारा तो काली होते जाता है। क्योंकि लोग समस्या को ही देखते, हमको भी प्रॉब्लम है, उनका भी प्रॉब्लम है, है कि नहीं? लेकिन वो उनकी नजरें आज से यीशु मसीह को मान नहीं रहे, अपने बल पर खड़ा रहना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, ज्योतिष से जाके पूछते हैं। वो भाई का ज्योतिष के पास गए थे, हमारा ऑफिस में एक ज्योतिष है, एक DGM साहब, मुझे भी बोला था तमज जी लाना, आपकी कुंडली में बता देता हूं आपके बेटी को क्या क्या करना चाहिए। वो आदमी जो जिसके बात कर रहा हूं उनके पास चला गया, वो देखा, बोला बाद में मेरे को बता रहे तामस जी मालूम है उसका लड़का को मैं बोल दिया जाओ मेडिकल में, लेकिन मुझे मालूम है उसका बुराई होगा। बोलते क्यों मालूम है? अरे मैं बोलेगा मानेगा नहीं यार, केवल पूछने के लिए आ रहे मेरे को मैं बोलने से वो मानेगा ही नहीं, इसलिए मैं उसको खुश कराने के लिए बोल दिया, मुझे पता है कि उसके साथ बुराई होगा ऐसा बोल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं है फिर भी कभी कभी दुनिया वाला के अंदर से भी शैतान भी कुछ लोगों को बता करके उनको भटका देते हैं। ज्योतिष के पास कभी जाना नहीं, क्योंकि कभी कभी वो भी जाता है, क्योंकि ये बात जो उसको पता चल गया होगा ना, कहीं से कहीं बाद में उसके मन में ऐसी भरोसा आ जाएगा, वैसे गलत परिणाम में पहुंच जाएगा। तो देखिए वैसे बोलते तू लकी हो, धीरज रख, रहम करेगा, करेगा ही करेगा, किसी के लिए भी परवाह नहीं, सबको करेगा। पौलुस बोलते हम इतने परेशान में हो गए फिर भी हमारे अंदर शांति बढ़ते चला गए। शांति का परमेश्वर है, हमें हमेशा हर जगह पर हमें शांति देता है। और आगे पढ़ना, 6 आयत पढ़ना, दूसरे कुरिन्थियों 1:6। यदि हम क्लेश पाते हैं तो तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। देखो हमारा जीवन का जो कुछ भी होता है हमको उस समय में पता नहीं,
अभी जैसा हमारा बच्चों लोगों का एडमिशन जो भी है, हम संघर्ष किए थे उस समय में, हमको तकलीफ लगा, लेकिन अभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अभी जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, क्या करेंगे एडमिशन, चिंता में है। फिर हम भी हमारा अनुभव से हम बता पाएंगे कि परमेश्वर जरूर आपको मदद कर रहे हैं। हमारा जो भी अनुभव है जिंदगी का, कभी कभी इवन नेगेटिव भी होगी, है ना। नॉर्मली क्या है, पहले जाने वाले लोग कभी गलती भी कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला, हिमालय में चढ़ने के लिए 300 के करीब लोग मर गए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ रिपोर्ट आया होगा, कुछ पता चले होंगे, तभी तो एडमन डिलरी पहुंच गया। ये मत सोचना पहले वाला सब बेवकूफ था, ऐसा नहीं है, वो लोग भी हीरोज ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गए। इस आदमी को पता चल गया, अरे ये मिस्टेक था, वहां ऑक्सीजन कम होते, ये लोग को पता नहीं था, या हम थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, हाँ दूसरा का मिस्टेक से इनको अच्छा हो गया। वैसे इसलिए पहले बार जाने वालों को तकलीफ होता है, लेकिन पीछे आने वालों को समझ लेना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे उनका जीवन में हुआ था। केस स्टडी बोलते हैं हम लोग, अपना जीवन की कहानी है, एग्जाम्पल है। तो पॉलस बोलते हैं, भले हमको प्रॉब्लम आए, भले हमारा जीवन में तसली मिले, शांति मिले, हमको शांति मिला तो भी आपको भी मिलेगा, हमको संकट आए उससे भी आपको शांति मिलेगा। हमेशा कलीसिया के शांति चाहते हैं, हमारे जीवन के सब अनुभव कलीसिया के लिए आशीष के कारण रहेगा। आपका जीवन के बुराई अनुभव भी होगा, परमेश्वर के हाथों में आप दे दोगे, उसको लेते हुए काफी लोगों के लिए आशीष के कारण परमेश्वर बना ही देगा। यही परमेश्वर का कला है, कलाकार है वो, कलाकार। कलाकार लोग क्या होते हैं मालूम है, कि अगर यहां पर इस पेंट में इस अच्छा से पेंट किया, कोई ऐसी कुछ फेंक देंगे, क्या होगा, खराब दिखेंगे ना। लेकिन कलाकार को बुलाएंगे, कलाकार क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा बना देंगे आप चौंक जाएंगे। कलाकार लोग मास्टर लोग हैं, मास्टर पीस बना देंगे, मैं सबको लेकर के मास्टर पीस बना देंगे। ये परमेश्वर करते हैं हमारा जीवन के एग्जाम्पल को देखता हूं मैं। गीत भजन संगीत 51 को पढ़े होंगे आप लोग, इवन दाऊद के जीवन में ऐसी ऐसी घटना हो गई, परेशानी हो गए, पाप में गिर गए, बर्बाद हो गए, नाम खराब हो गए, उसके लिए परमेश्वर कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना परमेश्वर ने करवाए हैं, कोई कोई धर्मों में सोचते हैं परमेश्वर ही सब कराते हैं, पाप भी वही कराते हैं, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार भगवान भी पापी करते रहते हैं। लेकिन हम पवित्र परमेश्वर को सेवा करते हैं, ना तो पाप करेगा ना तो पाप करवाएगा। लेकिन कोई पाप कर लिया तो उसको भी उठा लेता है, उसका जीवन की परेशानी को भी, उसका फेलियर को भी दूसरे लोगों के लिए आशीष के कारण बना दिया। क्योंकि जैसे मेरे जीवन में मेरे को प्रचार किया गया भजन संहित 51 से, तुम परमेश्वर के विरोध में पाप किए मन फिरना चाहिए, नहीं तो नरक में चला जाओगे, ऐसे वचनों को सुना, हमारे अंदर विश्वास आया, हम मन फिर आए, परमेश्वर के पास लौट कर आए, हमारा जीवन बदल गया। तो यही कहते हैं, हमारा जीवन में बुराई तो हुआ, परेशान हुए, लोग निंदा किए, परेशान किए, वो प्रभु का इच्छा नहीं है, शैतान का ही चाल है, लेकिन शैतान को भी परमेश्वर ओवरकम करेगा, उसको ही परेशानी को ही खाना बना देगा। कैसे, एक वीडियो देख रहा था मैं कभी कभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लेता, 10-15 मिनट कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को मिलता है।
एक रॉक बैडजर करके एक एनिमल छोटा से, थोड़ा फेरोशियस है, लेकिन वो क्या हुआ था, वो एक सांप ने उसको पूरा लपटा दिया। सांप क्या करते हैं ना, कभी किसी को अटैक करते हैं तो उसको पूरा लपेट देंगे, फिर उसको दबा करके हड्डियां हड्डियां तोड़ के मार डाल देंगे, फिर काटेंगे। एक राग बैडजर फंसा हुआ था उसके अंदर। तो अभी इस हालत में कुछ लोमड़ियां भी दोनों आकर के हेल्प कर रहे थे उसको, राग बैडजर को। वो सोच रहे थे इसको हेल्प कर लेंगे, बाद में सांप का हम लोग तीनों मिलके काटेंगे। मदद तो किया वो लोग, राग बैडजर निकल के बाहर आ गए। लेकिन राग बैडजर इतना इतना स्मार्ट है, देखो छोड़ा नहीं। वो दोनों फॉक्स को भी भगाते रहा, अपना जो सांप है उसका काट पीस करके खींच खींच के अपना सेपरेट खाना खाने के लिए। बोला कितना ये स्मार्ट है या कि जो खाने के लिए आया सांप उसको ही खा लिए और उसको दूसरा किसी को नहीं दिए। आज हमको यही शैतान को खाने का ऐसा मत सोचो कि जो परेशानी है इसमें भी आपको फायदा में बदलेंगे, परमेश्वर बदलेंगे। जैसे पुराने नियम में भी पढ़ोगे वहां पर क्या बोल रहे हैं, वो हमारे लिए खाना बन जाएंगे चपाती। कौन बोल रहा था वो, कालेब और जोशुआ, जोशुआ कालेब 85। अंकल आप कितनी उम्र है, मैं तो 62 इयर्स यंग हूं, कालेब तो 85 इयर्स यंग। बोलते बाढ़ लाओ मेरे को, बड़ा काना लाओ, बड़ा दुश्मन लाओ। अरे छोटा मोटा दुश्मन थोड़ा चाहिए, मुझे बड़ा दुश्मन चाहिए ताकि बड़ा काना मुझे मिलेगा। दानव लोग है, दानव लोग। कुछ कुछ लोग ऐसे, उस दिन मैं एक ऑफिस में गए थे, ऐसे एक भाई देखा ना कितना ऊंचा था वो, खटोखट उसका 6 से भी 6.5 होंगे। ऐसा आदमी को देखने में डर लगता है, दानव लोग 9 फुट है, हा? इतना टाल रहेंगे। लेकिन काले उनसे डरा नहीं, बोलते वो लोग हमारा खाना बन जाएंगे, हम तो माउंटेन वाला क्रिश्चियन है, हम पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। ऐसे बोल पहाड़ी प्रदेश दो मुझे, कभी पहाड़ी प्रदेश देखे आप लोग, कहां देखे, अपना इसमें छोटा मोटा पहाड़ है तमिलनाडु में। देखना तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हम लोग गए थे डैंग में थोड़ा है, लेकिन यहां तो बहुत ही ऊंचा, नीचे कितने मकान भी कैसे बना रहे पता नहीं, कोहिमा वगैरह में, नागालैंड हम लोग गए थे। गाड़ियां चलाने वालों का भी बहुत स्किल होना पड़ेगा, घर भी ऐसे ऐसे बनाते हैं और वहां के लोग अट्टा कट्टा हो जाते हैं समस्या का सामना करते करते। हम पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे परिस्थिति को देख करके डरने वाले नहीं, क्योंकि हमें शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, दया का दाता हमारा परमेश्वर है, हमें शांति देता है। बोलते हैं हमारा जीवन में जो कुछ भी होएगा वो केस स्टडी रहेगा, दूसरे हमारे पीछे आने वाला उसे फायदा उठाएंगे जरूर। आप लोग फायदा उठाना, ऐसे एक लेगेसी, मैंने बोला था लेगेसी छोड़ कर जाना। लेगेसी मतलब क्या है, एक मिरास, एक एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल आपके लिए एक उत्साहित करने वाला रहेगा। पौलुस का आज 2000 वर्ष के बाद भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जैसे एक मनुष्य है, ना कोई बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आत्मिक रूप में हम लोग का भी एक तरफ है, वो जन्म दिया उसने। पापा बन गए, पापा हेगिन जैसे, पापा पाल।
पाल पापा सब लोग जाएंगे पाल पापा को मिलने के लिए। पतरस को तो थोड़ा देखती है थोड़ा डरेंगे, पतरस जी आप अन्य जाति लोगों को थोड़ा साथ में काना नहीं खाते थे, हम लोग डर लग रहा है लेकिन पाल पापा का तो हम लोग गले लगाएंगे। आप हमको हमारे लिए पतरस से भी आप लड़ाई किए थे, आप डरपोक नहीं है? नहीं, क्रिएशन डरपोक नहीं है। यही पौलस पतरस को भी सिखा रहे, पीछे आया आदमी। पतरस पहले सीनियर था लेकिन पौलस बाद में आए हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहते हुए हिम्मतवान बन गए। मनुष्य के डर के मारे छुपाने वाला नहीं है। यही पहाड़ पर चढ़ने वाला बात होते, एडवेंचरस परिवार यही है। अपना दिखावटी नहीं है, एक्शन में, एक्शन में सपोर्ट करो। जो सही लोग उनको सपोर्ट करो, डरना नहीं। क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, अपना टारगेट रखो, गोल हमें चढ़ना है। परिस्थिति को देख करके हार नहीं मानना, ऐसे बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ने वाले हैं। बोलते हम दूसरे के लिए हमेशा एग्जाम्पल रहते हैं, आगे बढ़ना। अगला वचन सातवीं आयत, दूसरा कुरिन्थी 1:7। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। देखो, परमेश्वर के साथ हम दुखों में सहभागी होते हैं, वैसे उसके शांति में भी, वैसे ही सेवक के साथ भी, जैसा सेवक हम लोग है। हमारा सपोर्ट करोगे आप, हमारा कष्टों में भी परेशानियों में भी आप हमको सपोर्ट करोगे, आप हमारे साथ रहोगे, हमको मिलने वाला शांति के भी आपको पार्टनर बनोगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकते हैं कंपनी साथ में पार्टनर्स है, जिस साल में फायदा हो गए उस साल बोलेंगे इस साल मैं पार्टनर हूं, अगले साल नुकसान हो गए इस साल के लिए मैं पार्टनर नहीं हूं। यार नुकसान तुम झेल लो, फायदा कम ले लेंगे। एक बार हमारे तमिलनाडु में एक आदमी गए थे मटन लेने के लिए, बोला अरे यहां तो मिलता है लेकिन वहां के मिलता नहीं, मटन के साथ हड्डी भी थोड़ा डाल के देते हैं। तो एक आदमी गया, साहब हमको ऐसा मटन दीजिए हड्डी बगैर दीजिए। दुकान वाला ने बोला ऐसा हड्डी बगैर का बकरी चरा रहा है, उसको पकड़ने के लिए आदमी गया है, पकड़ के लाएगा काट के मैं हड्डी बगैर मटन देंगे। होता है ऐसा? हाँ नहीं होता ना, हड्डी बगैर नहीं होता। तो ऐसे परेशानी होता है दुनिया में, लेकिन केवल दुखी 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 रहेगा, जीने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। इसलिए शांति भी आएगा, शांति भी आएगा और इतना मजबूत आएगा, इसमें भी भागीदार उसमें भी भागीदार। यीशु ने बोला तुम मेरे साथ दुख उठाए हो, जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा आप लोग सब कैसे करोगे, कुर्सी पर राज्य करेंगे, राज्य भी करेंगे। यही तीमोथी उसको लिख रहे, अगर उसके साथ दुख भी उठाएंगे उसके साथ राज्य भी करेंगे, उसके साथ मरेंगे उसके साथ जिएंगे भी। यही तो मसीह जीवन है। मसीह के साथ क्रूसित हो गया हूं, अब मैं नहीं जीवित हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जो जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो मेरे ऊपर प्रेम किए, मेरे लिए अपना आप को दे दिए हैं, उसी विश्वास से मैं जीवित हूं। यही मसीह जीवन है। उसके साथ पापों के लिए, दुनिया के लिए, मोह माया के लिए, घमंड के लिए, अभिलाष के लिए, लालच के लिए, आलसीपन के लिए, नाराज के लिए, गुस्सा के लिए, हर चीज के लिए मर गए हैं। उसके साथ पवित्रता के लिए
अच्छे अच्छे चीजों के लिए, आशीष के लिए, शांति के लिए, भलाई के लिए, लोगों की सेवकाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए उसके साथ जी रहे हैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। हम लोग मसीह के साथ मर गए हैं, यही नई क्रिएशन है, उसके साथ दुख भी उठा रहे हैं, केवल दुख ही नहीं उठा रहे हैं उसके साथ शांति को भी, हम पार्टनर्स है, पार्टनर्स, हालेलुया, परमेश्वर का पार्टनर्स। हिम्मत से कहना चाहिए, मैं मसीह का पार्टनर्स हूं, पार्टनर, सहकर्मी, को वर्कर क्या होते हैं मालूम है? सपोज एक वेल्डर है, हम लोग शुरू शुरू में इंजीनियरिंग पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लेकिन वहां के विदेशी लोग आते थे, वही सब काम जानते थे, हमको कुछ नहीं आता। हमको बोलेंगे इंजन खोलना, ये खोलना, फणा लाने के लिए गया, फटाफट कुछ सेटिंग करके कर देंगे, रख देंगे, बंद कर देंगे, मिशन स्टार्ट भी कर देंगे। हमको गुस्सा आएगा, ये लोग हमको सीखने नहीं दे रहे हमको रैगिंग होता था, ये साफ करो, ये करो, रोना आता था। और हम गरीब परिवार से थे, इसलिए घर पे भी जाएंगे, मम्मी पापा भगा देंगे, जाओ बॉम्बे जहाज में जाके गधा मजूरी करके आओ छोड़ने वाला था नहीं, रो रो के भी हम काम करते थे। लेकिन दुनिया का नियम अलग है, हमारा प्रभु जी ऐसा खड़ूस मास्टर नहीं है। आनंद से सेवा कर सकते हो, सेवा करो आनंद से, पाऊं मैं उससे अपना इनाम। सेवा जल्दी आएगा लेने मुझे, जल्दी आएगा लेने मुझे, रहूंगा तेरे साथ सदा, आया तू यीशु मेरे लिए, तूने बहाया पवित्र लहू, आया तू यीशु मेरे लिए, तूने बहाया पवित्र लहू, साथ तेरे में क्रूसित हुआ, अब और मैं जिंदा रहा, साथ तेरे में क्रूसित हुआ, अब और मैं जिंदा रहा, यीशु तू मुझ में जीवित है, यीशु तू मुझ में जीवित है, तेरे विश्वास से जीवूंगा मैं, तेरे विश्वास से जीवूंगा। आमीन। कितना भी प्रॉब्लम कम फेस कर रहे हैं उसको जरूर हम जय पाएंगे, हम जयवंत से बढ़कर रहेंगे। कभी भी शैतान का खेल को देखते हुए मेरे भाई बहन बच्चों लोग निराश नहीं होना, मेरे जीवन में, मेरे जवानीपन में मेरे अंदर शैतान कितना खेल खिलाया, मुझे घुमाया, मुझे पापों में डुबाया, मुझे निराश में डुबाया, मेरे शरीर को कलंकित करने के लिए, गंदा करने के लिए, गलत रास्ता में ले जाने के लिए मेरे साथ अपना हुक्म चलाया। लेकिन परमेश्वर पिता की महिमा हो, मेरे अंदर जो भी हुआ है, बुराई भी हुआ है, परमेश्वर उसको भी लेकर के दूसरों के लिए गवाही बना दिया, भलाई में बदल दिया। अभी मैं हिम्मत से कह सकता हूं, मुझे पापी को परमेश्वर बचा सकते तो किसी को भी वो बचा सकते हैं। ऐसे महान कार्य है, जैसे पौलुस बोल रहे हैं पापी में बड़ा था, मैं भी बोल सकता, मेरे परिवार में सबसे बड़ा पापी मैं ही था, लेकिन आज सबके लिए आशीष के कारण परमेश्वर मुझे बनाया है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, बड़ा पापी को भी
परमेश्वर बचा सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी परमेश्वर उसको आशीष में बदल सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को भलाई में बदल सकते हैं, उसको लेते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए भी आपका जीवन में भलाई को बदल सकते हैं। आपका क्रूस आपके लिए कुर्सी बन जाएगा एक दिन जरूर। हालेलुया, मुकुट मिलेगा, धर्मता की मुकुट, जीवन की मुकुट, हालेलुया, महिमा के मुकुट, न मुरझाने वाले ऐसा मुकुट मिलेगा। आज हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं, एक दिन उसके साथ राज्य भी हम करेंगे। यही पौलुस बार बार बताते हैं। तो इसलिए शांति का परमेश्वर, सब प्रकार की शांति, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हार मानना नहीं है, मरने के फाटक पे भी आ गए होंगे, लेकिन जीवित सजीवित करने वाले, मरेओं को जिंदा करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपके परिस्थिति लाजरस की परिस्थिति क्यों ना हो, ओनली बिलीव। आज हालेलुया, एक प्रभु का दास का वचन सुन रहा था मैं, वो बोला, वो कहते ओनली बिलीव। हालेलुया, जायरस का हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया, अद्भुत काम हुआ जायरस बेटी का। उसमें यीशु जी बोलते थे जायरस को केवल विश्वास कर। लोगों ने घबरा दिया, अरे तेरा बेटी मर चुकी है, अभी गुरु को डिस्टर्ब मत करो। यीशु जी बोला था, तू केवल विश्वास रख, हिम्मत ना हारना। शांति का परमेश्वर सब प्रकार का शांति देंगे, हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा ही प्रॉब्लम यूनिक है पास्टर जी, आपका एग्जाम्पल अलग होगी, मेरा अलग, ऐसा नहीं है। सब प्रकार की शांति, जो जो प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किए हुए, अगर वो अभी फेस कर रहे, उसमें भी परमेश्वर का इलाज है जरूर, उसके एग्जाम्पल्स जरूर वचन में है, आपका जीवन में काम करेगा। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, दुनिया नहीं दे सकता ऐसी शांति दे रहे हैं। फिलिप्पियों 4 में बोल रहे, समझ से परे ऐसी शांति तेरे मन और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करना चाहिए, बस हर परिस्थिति में धन्यवाद ही करो, जो भी संकट आता है तो भी धन्यवाद करके जय को हासिल करेंगे। यरीहो दीवार तोड़ डालेंगे, गिरेगा, जय हमारा, अंतिम विजय हमारा है, हमारा परमेश्वर हमको जय दिलाता है। हालेलुया, दूसरे कुरिन्थियों 2 में बोल रहे हैं, आगे जाकर के हमारा परमेश्वर शांति का दाता केवल नहीं है, जय का दाता है, विजय का दाता है। हर जगह पर जय का ध्वनि सुनाते हैं, जय के उत्सव में ले चलते हैं, हमारा द्वारा मसीह का सुगंध हर जगह में, हर समय में, हर परिस्थिति में हमारे द्वारा फैलाते हैं। हालेलुया, विजयवान बनाते हैं। हे परमेश्वर, आज हमारे साथ बातें कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे।